जय माँ काली। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ माँ काली की कृपा से आप सभी अच्छे हैं और कुशल मंगल होंगे। आज देखिए, मैं लेके आई हूँ ये ब्रह्मी। ब्रह्मी एक देसी मतलब आयुर्वेदिक दवाई के हिसाब से ये यूज होती है। और इसके देखिए पत्ता कुछ ये गुलाई टाइप की होती है, इस टाइप की होती है इसके पत्ते। और ये आयुर्वेदिक दवाई में काम लिया जाता है और इसे सब्जी भी बनती है और चटनी भी बनती है। ये देखिए इसके पत्ते कुछ इस टाइप की होती है। तो ये जो पतंजलि के जो सामान बिकते हैं दुकान में, वहाँ पे तो इसके सूखे पत्ते मिल जाते हैं, खरीदने को मिलता है, जो दवाई बनाने में काम आती है। तो ये जो है ना, हमारे गांव में खूब उगते हैं, गांव के इलाके में। तो इसे चटनी बना के खाते हैं, सब्जी भी बना के खाते हैं। तो और ये है इसके, ये है जड़, मैं दिखा रही हूँ, ये है इसका जड़ है। ये देखिए ये जड़ है। इसे अगर थोड़ा सा चिकनी और थोड़ा सा रेतीला मिट्टी मिला के अगर लगा दिया जाए, यहाँ पे भी लग सकता है, मैंने लगाई है कई बार, पर इसका देखभाल करनी पड़ती है। गमले में लगाते हैं तो ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है इसके। तो इसके नीचे से पानी हमेशा रहना चाहिए, थोड़ा बहुत गीला भाव रहना ही चाहिए, एकदम सूख जाती है तो ये मर जाएंगे। तो थोड़ा सा गीला भाव रखेंगे तो ये जी जाएंगे। और ये इसका फूल है, ये देखिए, ये छोटा सा है ना, ये देखिए मेरे नाखून के सामने ये फूल है। इससे बीज बनती है और बीज से भी होते हैं, और ये जो जड़ है इससे भी ये लग जाती है, ये जड़ इससे भी ये लग जाती है। तो मैं इसको लगाऊंगी मैं। तो इसके चटनी बना लेते हैं अभी इसके। तो ये चटनी बहुत ही गुणकारी पौधा है ये, और इसके चटनी भी बहुत ही गुणकारी है। ब्रह्मी है इसका नाम। तो आगे दिखाते हैं, मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, साफ सुथरा कर लिया है, अब इसे पीसेंगे, फिर आगे दिखाते हैं। अच्छा ये देखिए, ये ब्रह्मी की चटनी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा जीरा ले लिया है, ये है जीरा, थोड़ा सा हल्दी, नमक और हरी मिर्च। आप अगर लहसुन खाना चाहो तो खा सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं खाते लहसुन इसमें। तो डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो अब इसको मैं सिलबट्टे में भी पीस सकते हो इसे, क्योंकि सिलबट्टे में भी पीसने के बाद चटनी का स्वाद और बढ़ जाती है। तो मैंने मिक्सी में ले लिया है इसे, और इसे भी डाल देते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं। ये देखिए हमने फ्राई पैन ले लिया है, और उसमें सरसों का तेल हमने डाल दिया है, और जो ये है ब्रह्मी का चटनी हमने पीस लिया है। अब ये तेल गर्म हो चुकी है, तो इसमें थोड़े दो चार दाने जीरे के डाल देते हैं अभी। अब ये जीरा चटक गया है, तो अब इसमें हमने नमक और हल्दी और मिर्ची ये तो डाल दिया था, और जीरा भी। अब इसके तड़का लगा देते हैं। ये देखिए ये ब्रह्मी की चटनी तैयार है, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये चाहे रोटी के साथ खा सकते हो और चावल के साथ भी खा सकते हो, और इसमें कोई नुकसान नहीं करता है, और ये ठंडी भी होती है। जैसे वो आप लोग कहते हो ना, इसकी तासीर ठंडी होती है ये, और बहुत ही काम गुणकारी है ये। तैयार है, अब निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे ब्रह्मी की चटनी तैयार है। आप भी इस तरह से बनाइएगा और खाकर बताइएगा ज़रूर कैसी बनी है। ये आप रोटी चावल के साथ, दोनों के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है ये।